भाईजान, अल्लाह का शुक्र है कि आपने आंखें खोल ली। मैं तो 2 घंटे से चुपचाप इधर खड़ी हूं कि आप जाग जाएं। आपने तो डरा ही दिया सबको। आपको तो पता है ना, आहत को सारे डॉक्टर्स जानते हैं यहाँ पे, और वो भी आपके डॉक्टर को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं आपका। अरे कुछ तो बोले, मैं क्या यहाँ दीवारों से बात करने आई हूँ? नहीं नहीं, बेहतर है आप खामोशी रहें, आराम करें। वैसे आहत कह रहा था 2-3 दिनों में ना आप घर आ जाएंगे, यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, परेशानी की कोई बात नहीं है। आई थी क्या मुझे? शायद पता नहीं, मुझे तो कोई कुछ नहीं बताता ना। अरे मुझे तो सगी समझती नहीं है वो, वैसे भी बाप और फूफो से तो दुश्मनी है उसकी। चले कोई बात नहीं, अभी ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। आप आराम करें, मैं बाहर ही बैठी हूँ, मैं नर्स को भेजती हूँ अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत है। इतने देर से खामोश खड़ी हो तो चलो कोई बात ही कर लो, झगड़ ही लो हमारे साथ हमेशा की तरह। आपकी अपनी बहन से काफी गुफ्तगू हो चुकी है। हाँ, मेरे ख्याल से काफी है। कैसे हैं? ठीक हूँ, तुम्हारे ना चाहते हुए भी फिर भी शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। तुमसे क्या हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। कोशिश की थी मैंने कि अपना चेहरा तुमको आइंदा जिंदगी में कभी ना दिखाऊं, लेकिन शायद हमारी उम्र कैद की मुद्दत तवील कर दी गई। वैसे डैड, काफी खुशकिस्मत है आप कि जब आपको हार्ट अटैक हुआ तो हमारी आपको फॉरेन हॉस्पिटल ले आए और आप बच गए। मेरी अम्मा को तो ये मौका मिला ही नहीं।